ये है दिल्ली दर्पण। अशोक विहार स्थित अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनावों का बिगुल बज चुका है। करीब 1100 सदस्यों वाली सोसाइटी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी इस बार फिर डॉक्टर एस सी को सौंपी गई है। इनके साथ रामलाल सिंघला और रतनलाल गुप्ता को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। 25 नवंबर को सोसाइटी के 9 पदों पर होने वाले चुनाव के लिए समाज के नेता अलग अलग स्थानों पर मीटिंग कर अपने अपने पैनल को शेप देने में जुटे हुए हैं। वहीं डॉक्टर गुप्ता की टीम तैयारियों में लगी हुई है। इस बार चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत कम समय बचा है, लेकिन बचे हुए इस कम समय में भी क्या क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या दिशा निर्देश भावी प्रत्याशियों के लिए तय किए गए हैं और क्या क्या सुविधाएं मतदाता करने वाले ट्रस्टियों को होंगी, दिल्ली दर्पण टीवी पर डॉक्टर एच सी गुप्ता ने जानकारी दी। इस बारे इलेक्शन का जो प्रोसेस पूरा था वो बहुत ही छोटा प्रोसेस था। हमें कहा गया कि इसके अंदर ही आप इलेक्शन करवा दीजिए। इस बार पिछली बार 42 दिन का समय था, इस बार 27 दिन का समय था। तो 27 दिन के समय के अंदर जो है अब नॉमिनेशन फाइल करने का, आज से नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है। सवेरे का टाइम है 10 बजे से 11 बजे तक और शाम का टाइम है 8 बजे से 9 बजे तक। और हमने संडे भी बीच में ले लिया ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो संडे को जो समय है वो भी सुबह 10 से 11 का है और शाम का 8 बजे से 9 बजे तक है। जितने भी लोग 9 बजे तक नॉमिनेशन अपने लेकर आ जाएंगे उन सब के नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, चाहे हमें रात को 10 बजे चाहे 11 बजे। अशोक विहार में स्थित अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनावों पर दिल्ली एनसीआर के वैश्य समाज के लोगों की ही नहीं बल्कि नॉर्थ दिल्ली के तमाम सियासी और सामाजिक संस्थानों की भी नजर इन चुनावों पर होती है। लिहाजा आप भी यदि इन चुनावों की तमाम जानकारियां लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो हमें संपर्क और सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दर्पण टीवी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर